नमस्कार, मैं हूं पापिया। आप जो मुझे फॉलो करते हो वो जानते हो, मेरी वीडियो ज्यादातर लाइफस्टाइल या कुकिंग व्लॉग रहती है। लेकिन आज मैं एक सेंटिमेंटल टॉपिक लेके आई हूँ जो सबके लिए ही जरूरी है। मुझे यहाँ पे आके ये फील हुआ तभी मैं ये टॉपिक पे वीडियो करने के लिए मजबूर हूँ। नहीं, ये टॉपिक पे वीडियो करने के लिए मुझे मेरे बेटे की बातें मुझे एहसास नहीं दिलाया, ना ही मेरे बेटे का बिहेवियर से, मुझे सराउंडिंग से कुछ सुनने को मिला ऐसी बातें जो मुझे लगा कि ये नहीं होना चाहिए। सभी के पास माँ है, तो आज मैं माँ के ऊपर ही एक वीडियो बनाई हूँ जो सबके लिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबके मन चेंज होना चाहिए। ये टॉपिक पे मैं क्या बोलना चाहती हूँ आगे की वीडियो में आप देखते रहोगे, और अच्छा लगे तो उनको जरूर शेयर कीजिए जो इस टॉपिक के लिए उनके मन में नेगेटिविज्म भरे हुए हो, उनको पॉजिटिव करने के लिए ये वीडियो जरूर उनको शेयर कीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है, बच्चा बड़ा हो गया इसलिए मम्मी को एजेड लुक्स ही देना है, माँ को कलरलेस ड्रेस ही पहनना होगा। ना चाहते हुए भी एक माँ को अपनी पर्सनालिटी पे एक एजेड लेडी है ये लाना होगा। बच्चों के साथ अगर माँ भी कलरफुल रहे तो क्या प्रॉब्लम है? एक ग्रुप बोलेंगे मम्मी, उनके तो एक अलग रिस्पेक्ट होते हैं ना, मम्मी तो उसको उनको सब कुछ ठीक नहीं लगता। एक माँ क्यों यंग लेडी की तरह सज नहीं सकते, क्यों दिल खोल के हंस नहीं सकते? मम्मी को भी अधिकार है अपने आप को प्यार करने का और अपनी पसंद से सजने। एजिंग ग्रेसफुली एक वर्ड है जिसका अर्थ है उम्र को हंस के एक्सेप्ट करना। कोई भी ह्यूमन बीइंग उम्र को इस प्रोसेस के एकदम बहुत दिल खोल के एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, इसमें किसी का हाथ नहीं है। बट इस समय को सुंदर बनाना कंप्लीटली हमारे हाथ में है। अगर हम मम्मी को प्यार करते हैं तो मम्मी को जिम जाने के लिए या तो उनके शरीर की केयर करने के लिए, उनको हेल्दी खाने के लिए हम असिस्ट करेंगे, कभी ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि तुम एंड की तरफ जा रही हो। संसार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कोई मेंटली ओल्ड नहीं हो जाते, शरीर पुरानी हो सकती है बट मन नहीं। लोग तो बुरा तब होते हैं जब उनके आजू बाजू वाले उन्हें एजिट की तरह ट्रीट करते हैं। कोलकाता में रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ। एक शादी में एक 50 एबक लेडी रेड कलर की लिपस्टिक पहन के गई। उनको देख के उनके सारे रिलेटिव्स उनसे बहुत ही हंसे और अपमान भी किया। इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए उनकी 25 साल का बेटा सब रिलेटिव्स को उसी टाइम बहुत बोला। उसके बाद भी उसने क्या किया, आके खुद अपनी लिपस्टिक लगाए, एक लाल रंग का लिपस्टिक, और उसी पिक्चर को सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया और रिलेटिव्स को ये बोला कि गेट वेल सून। वहां पे उन्होंने लिखा, सच में कहां लिखा है रेड लिपस्टिक मम्मी नहीं पहन सकती है, उल्टा रेड कलर की तरह डेयरिंग कलर पहनने के लिए साहस अगर कोई माँ करे तो बच्चे को उसके लिए गर्व होना चाहिए, लज्जा नहीं। सिर्फ माँ है इसलिए सारे बोझ उनके ऊपर डालने से पहले एक बार ये सोचिए, माँ को भी सजने की इच्छा होती है, दिल खोल के हंसने का मन भी होती है, माँ को भी सबके साथ टाइम स्पेंड करने का, दोस्तों के साथ घूमने जाने की इच्छा भी होती है। माँ होते ही कोई जीना नहीं छोड़ देते और ना माँ होते ही कोई मर जाते हैं। सो बोल सकते हैं हम, लेट्स गेट वेल सून टुगेदर।